हेलो दोस्तों, आज हम चलते हैं कोनिका मिनोल्टा बेसअप सी 220 प्रिंटर पे। उसमें कुछ लाइंस आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्लाइंट ने फ़ोन किया था, कुछ लाइंस आ रहे हैं तो दिखाता हूँ। क्या लाइंस आता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह आप कोनिका मिनोल्टा बेसअप 220, 280, 360, इस तरह का सेम सेम प्रॉब्लम जो आता है वो सेम सेम प्रिंटर लुक वाइज में, इंजन में सब कुछ सेम रहता है, बस आपका जो मॉडल खाली अलग अलग रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसा लाइन आ रहा है, उसको सॉल्व करेंगे और आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। और आज आपको इमेज ट्रांसफ़र बेल्ट वो भी आपको निकालने के लिए बताते हैं, कैसे मशीन से निकालते हैं। और उसको लोग नॉर्मल IBT बेल्ट भी बोलते हैं, एक्चुअली इमेज ट्रांसफ़र बेल्ट होता है। तो चलिए चलते हैं, आज मैं आपको बेल्ट मशीन से निकालने के लिए बताता हूँ और जो लाइन आ रहा है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं फिर। चलिए क्लाइंट के पास आ गए हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ कौन सा मशीन है। ये है मशीन कोनिका मिनोल्टा बिजहब C220। अभी इसमें पहले डेमो पेज प्रिंट मार के चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है, कैसा लाइन आ रहा है। प्रिंट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसा लाइन आ रहा है और क्या प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे और आपको भी दिखाएँगे। आइए देखते हैं डेमो में क्या, डेमो पेज में क्या लाइन आ रहा है, चलिए दिखाता हूँ आपको। अभी एक देखिए डेमो पेज आया है, ये देखिए, ये ऊपर में नीचे ये सब लाइन्स है, नीचे में ऊपर में लाइन्स आ रहे, नीचे डॉट्स भी आ रहे, तो ये देखिए इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग इमेज ट्रांसफ़र बेल्ट निकालेंगे, जिसको IBT बेल्ट भी बोलते हैं नॉर्मल। ये राइट डोर ओपन करेंगे, राइट डोर ओपन करने के बाद यहाँ पर ना दो मोटे मोटे स्क्रू होते हैं, एक वो IBT बेल्ट है, इधर लेफ्ट साइड में मोटा सा स्क्रू रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है स्क्रू। बड़े बड़े स्क्रू रहते हैं मोटे मोटे, ये देखिए इस तरह में, इसमें भी बहुत सारे लाइंस आए हुए हैं इमेज ट्रांसफ़र बेल्ट में। तो वो निकालने के लिए आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ये देखिए एक ये मोटा मोटा स्क्रू है, एक मोटे स्क्रू, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में मोटे मोटे स्क्रू होते हैं स्टील पट्टी पर। ये पहले निकालता हूँ इधर लेफ्ट साइड का स्क्रू, उसके बाद राइट साइड का स्क्रू निकालेंगे, खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर से। ये निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ इस इमेज ट्रांसफ़र बेल्ट कैसे निकालते हैं। ये लेफ़्ट और राइट साइड में ना एक हैंडल होता है, उसको पकड़ के थोड़ा उठाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए बेल्ट का क्या हाल होया हुआ है, बेल्ट बहुत ख़राब होया हुआ है, जिसको इतना अंदर वेस्ट ओनर जो रहता है वो पूरा बेल्ट पर आ गया है, उसको क्लीन भी करेंगे। देखिए इसमें भी लाइन्स वगैरह आ गए हैं बेल्ट पर। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे क्लीन करते हैं बेल्ट वगैरह। तो पहले इसको जो इमेज ट्रांसफ़र ब्लेड होता है, जो इमेज ट्रांसफ़र ब्लेड बेल्ट को क्लीन करता है ट्रांसफ़र बेल्ट को, उस में ये ब्लेड ये यूनिट में लगा रहता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, ये दो स्क्रू खोलने के बाद ये जिसमें ब्लेड लगा रहता है, क्लीनिंग ब्लेड, इमेज ट्रांसफ़र क्लीनिंग ब्लेड, वो इस यूनिट में वो ब्लेड लगा रहता है। ये देखिए ये जो है इस जो ये देखिए एक दो तीन स्क्रू से टाइट किया हुआ रहता है, तो इसको निकालेंगे। अभी जो है सबको क्लीन कर देते हैं। पहले यहाँ पर IDC सेंसर होता है, उसको क्लीन कर रहा हूँ। देखिए वहाँ पर IDC सेंसर है, तो अच्छे से कपड़े से क्लीन कर रहा हूँ। और उसके जस्ट नीचे जो है कि रजिस्ट्रेशन रॉड रहता है, उसको भी क्लीन करता हूँ। मैंने एक लिक्विड लिया है जिसको IP बोलते हैं, आइसो प्रोफाइल या IP इस तरह का रहता है कुछ। तो अभी देखिए IDC सेंसर क्लीन कर दिया है। अभी ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन रॉड बोलते हैं इसको, ये सबको क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। ये क्लीन करने के बाद आपको
इधर राइट साइड में सेकंड बिटीआर है जिसको हम लोग ट्रांसफ़र रोलर भी बोलते हैं। ये दोनों प्रेस करने के बाद ये रोलर बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये बाहर आ जाए, इसको ड्राई कपड़े से, सूखा कपड़े से ये जो लाइंस हैं सारे को क्लीन कर देंगे। देखिए सूखा कपड़े से इसको इस तरह के घिसके 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 ऐसा अच्छे से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे। इसको साफ़ करने के बाद वापस से अपने उसमें लगा देंगे। ये देखिए इसमें बहुत सारे डस्ट है, क्लाइंट ज़्यादा मशीन को क्लीन नहीं रखते। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी है जो अपने मशीन को क्लीन रखते हैं, तो ये तो बहुत गंदा है। तो अभी जो नॉर्मल हम लोग से क्लीन हो सकता है वो मैं करता हूँ, और रजिस्ट्रेशन रॉड को क्लीन किया पहले, अभी ट्रांसफ़र रोलर को क्लीन कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र रोलर क्लीन करने के बाद ये देखिए इसमें लगा दूँगा। ये ट्रांसफ़र रोलर मैंने लगा दिया सेकंड बीटीआर। इसके बाद चलते हैं हाई बीटी बेल्ट को लेकर के, उसको ब्लोअर करेंगे, है ना, क्लीन करेंगे। चलिए चलते हैं, आइए मेरे साथ, कैसे ब्लो करते हैं देखते हैं। ये देखो उधर लेके जा रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ लेकर के आया। इसको ब्लो कर देते हैं बढ़िया से, है ना, तो अच्छा ब्लो होना भी चाहिए, अच्छा से हवा मारने के वाला या स्पीड वाला ब्लोअर होना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो डस्ट बहुत सारे थे वो क्यों डस्ट आ जाते हैं, वेस्ट टोनर बॉक्स में अच्छे से वेस्ट नहीं जाता, इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे डस्ट आ जाते हैं। डस्ट आने के बाद जो होता है ना कि इमेज जो जो इस पर इमेज तैयार होता है वो इमेज भी ठीक से तैयार नहीं होता है। उसके बाद इमेज ट्रांसफ़र बेल्ट को जो क्लीन करने वाला ब्लेड रहता है, जैसे डॉक्टर ब्लेड भी लोग बोलते हैं, वो भी अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आने लगता है इमेज ट्रांसफ़र बेल्ट को। अभी इसको ब्लोर किया है, ये ब्लोर करने के बाद वापस से उसको चलते हैं। उसको क्लीन तो अभी कर दिया है, ब्लोर लगा दिया है, कर दिया बढ़िया से ब्लोर। नहीं अभी नहीं हुआ। चलिए चलते हैं वापस से, इमेज ट्रांसफ़र क्लीनिंग ब्लेड उसको चेंज करेंगे। पहले उस यूनिट को भी उसमें से ब्लेड निकालेंगे, ब्लेड को निकालने के बाद उसको भी ब्लो करेंगे। आइए दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। इसमें तीन स्क्रू रहता है, तीन स्क्रू को निकालेंगे। एक स्क्रू ये है, ये दूसरा स्क्रू, और ये राइट साइड में एक तीसरा स्क्रू है। तीनों स्क्रू को निकाल देंगे। ये निकालने के बाद इमेज ट्रांसफ़र क्लीनिंग ब्लेड जो है ना वो बाहर आ जाएगा, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आईबीटी ब्लेड। ये देखिए बाहर आ गया। इसके अंदर जो वेस्ट टोनर रहता है ना उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको भी ब्लो करेंगे बढ़िया से। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए या इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एंड आपका मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, फिर मैं आपको मशीन को सपोर्ट करूंगा, क्या प्रॉब्लम है सॉल्व करूंगा, मैं आपको मोबाइल को बताऊंगा कॉल करके, वीडियो कॉलिंग करके या ऑडियो कॉलिंग करके। या इस तरह का ब्लोर करने के बाद इसको भी क्लीन कर देंगे, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बस ब्लो कीजिए क्लीन हो जाता है। और आप अगर जहाँ पर जो नहीं हो पा रहा ब्लो, वहाँ से कपड़े से भी क्लीन कर सकते हैं, ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ, आपको इमेज क्लीनिंग ब्लेड न्यू लगाता हूँ मैं, है ना, ये न्यू लगाता हूँ आपको। ये देखिए मेरे पास, मैं लेकर के आया था बैग में कि मुझे मालूम था प्रॉब्लम क्या है इस तरह का। ये देखिए इसको बोलते हैं इमेज क्लीनिंग, इमेज ट्रांसफ़र बेल्ट क्लीनिंग ब्लेड, जिसको आईबीटी क्लीनिंग ब्लेड भी बोलते हैं। ये इसमें लगा देंगे ऐसा, और उसी तरह जैसे निकाला था तीन स्क्रू से, उसी तरह इसको तीन स्क्रू से टाइट कर देंगे। ज़्यादा कुछ ज़्यादा ये नहीं रहता है, बहुत हार्ड भी नहीं है, आप वीडियो देख करके आराम से काम कर सकते हैं। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको लास्ट तक देखने के बाद आपको क्वालिटी पता चलेगा, ये काम करने के बाद कितना क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, कितना क्वालिटी बन जाता है। ये लाइंस जो आ रहे थे पहले डेमो पेज पे, वो सारे लाइन निकल जाएंगे। तो लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, और मेरा वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर भी करें। अभी तीनों स्क्रू लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा भी लगा देता हूँ, अगर आप लगाना चाहते तो लगाइए, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा डस्ट था इसके वजह से मैंने कपड़ा भी लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है
लगाने के बाद आपको यहाँ पर टैल्कम पाउडर डाल देता हूँ, ये थोड़ा सा स्लिप होने के लिए, तो क्या होता है वो ग्रिप जो है पकड़ने वाले ब्लेड, इसके वजह से हम लोग थोड़ा टैल्कम पाउडर लगा देते हैं स्लिप करने के लिए। तो ब्लेड पे भी लगा दीजिए, बेल्ट भी लगा दीजिए, लगाने के बाद क्या होता है वो स्लिप ईजी करता है, स्लिप ईजी करता है। ये यूनिट लगाने के लिए दो स्क्रू फिर टाइट करेंगे, एक लेफ्ट साइड में स्क्रू रहते हैं और एक राइट साइड में रहते हैं। ये देखिए, एक लेफ्ट साइड में टाइट किया, एक राइट साइड में, अच्छे से टाइट करेंगे, क्योंकि क्या अगर अच्छे से टाइट नहीं होगा तो अच्छे से क्लीन नहीं होगा बेल्ट, इमेज ट्रांसफ़र बेल्ट जो है क्लीन नहीं होता अच्छे से, तो इसके लिए इसको अच्छे से टाइट होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, वापस इसको घुमाते हैं इधर, उसके बाद इसको बेल्ट को घुमाएंगे, इमेज ट्रांसफर बेल्ट को देखिए घूम रहे हैं। अभी देखिए जो लाइनिंग लाइनिंग आपको दिख रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा, ये देखिए क्लियर हो गया बिल्कुल। अभी बेल्ट को वापस से मशीन में डाल देंगे, मशीन में डालने के लिए उसी तरह प्रोसेस है जैसे आपने निकाला वैसे डाल दीजिए। उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड में, यहाँ पे सर ने कुछ बोला था कि इमेज वेस्टेज किधर निकलता है बेल्ट का, तो मैंने दिखाया वो लेफ्ट साइड में कि वहाँ पे रहता है, वहाँ से निकल जाता है। तो ये देखिए, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में मोटे मोटे स्क्रू रहेंगे, वापस उसको टाइट कर देंगे। बेल्ट लगा दिया है, अभी दो स्क्रू रहता है लेफ्ट एंड राइट साइड में, बहुत ईजी है, आप भी बहुत ईजी काम कर सकते हैं कोनिका मिनोल्टा कलर मशीन पे, बहुत ईजी है। ये देखिए मैंने लगा दिया डोर, अभी एक डेमो पेज प्रिंट आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मशीन मैंने ऑन कर दिया है, अभी एक डेमो पेज आपको दिखा देता हूँ किस तरह क्वालिटी आता है, क्या क्वालिटी आता है। ये इमेज क्लीनिंग इमेज ट्रांसफ़र बेल्ट का क्लीनिंग ब्लेड डालने के बाद देखिए लाइन वगैरह सब सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर भी करें। ये देखिए डेमो पेज आ गया है, डेमो पेज देखिए बहुत ही क्लियर है, किसी तरह कोई लाइन नहीं है, बहुत ईजी है काम करना, बहुत आसान से आप काम कर सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये देखिए पहले का प्रॉब्लम था, देखिए लाइनिंग आ रहा था, ऊपर भी लाइनिंग है, नीचे भी डॉट्स आ रहे थे, अभी ये काम करने के बाद ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लीन। थैंक यू वेरी मच।